अरे देखन मा छोटे लगे पर घाव करे गंभीर, स्टाइल में फेल है चाहे शाहरुख के रणबीर। भोले बहुत है रंगीन बहुत है, रूठे कभी तो हो संगीन बहुत है। नाच नचावे जो पंगा ले इनसे, ताली पे दे देता चाहे तो हर कोई पर मुश्किल से खिलते हर गुदड़ी में ऐसे लाल। के जैसे के जैसे के जैसे मिस्टर जुगाड़ू लाल, मिस्टर जुगाड़ू लाल, हमरे पटकापुर के मिस्टर जुगाड़ू लाल। अम्मा पापा प्रतियोगिता खातिर मान गए। सच्ची मुच्ची कहो हमारी साथ प्रतियोगिता में भाग लेंगे? नहीं, अभी तो नेता जी के साथ आने के लिए माने हैं। सोचा हमरा का होगा? होगा अम्मा, जब स्टेज पर आने तक का जुगाड़ हो गया है तो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का भी जुगाड़ हो जाएगा। अरे अम्मा हो एक साइड देना ना। अब देखो जादू दिखाते हैं। का जादू? कुछ तो नहीं है यहाँ पर। अरे वो देखो पापा। वाह भैया, पापा तो सच्ची मुच्ची आ गए। तो तुम का समझी हमारे जुगाड़ झूठ बोल रहे हैं? हमको हमारे जुगाड़ू पर ना पूरा विश्वास है। देख लेना एक दिन जुगाड़ो ना हमारे बाबू जी से हमारी। बेटा चीनी, तुमने हमको याद किया? नहीं बाबू, हम तो बोले वो देखो, देखो? वो देखो और वो देखो। तुम यहाँ बेरोजगार के साथ का कर रही हो? चलो काका। अगर काका काका मत कहो, देंगे गाल पे तो कर देंगे धमाका। अब हमको शक था तुम इस भीड़ का फायदा उठाकर हमारी बेटी को बरगड़ाओगे। चलो यहाँ से, चलो चलो। ए जुगाड़ू देखा, अरे तुम्हारे पापा आए हैं। अब हम तो पहले ही कहे थे। अरे ईका तुम तैयार नहीं हुई अभी तक। अरे तुम्हारे पापा को देख लिया, अब देखो जोश आ गया। देखना कैसे यह आरसुई काएगा। हेलो ईका, हमरे काके आरसुई का गया। ईका है बे, हाँ एक लाउड स्पीकर सही नहीं रख सकता, बना इसका बना। अरे अम्मा ये अर्थक्वेक नहीं है, ये लाउड स्पीकर है। लाउड स्पीकर की आवाज रे? अच्छा तो हम तैयार होके आते हैं। अम्मा अच्छे से तैयार हो। हाँ, हाँ, हाँ। सही तो है। हाँ। दे अभी और सज्जना, आज हमने पटकापुर में बीबी नंबर वन की प्रतियोगिता आयोजित की है। तो इस प्रतियोगिता के बारे में हम आपसे दो शब्द कहूंगा। अरे नहीं नहीं, दर्द हो रहा है, बस घबराइए साथ लिए। देखिए हमको पता है कि हम नेता लोग दो शब्द कहने के नाम पे दो घंटा बोलने के लिए बहुत बदनाम है। आज इस बीबी नंबर वन की प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि है पटकापुर के महासम्मानित व्यक्ति पुस्तक बिहारी वाजपेयी जी। अरे ग्रुप लगे रहो। और इस प्रतियोगिता का जज है जोड़ू का गुलाम साहब। गुलाम बेगम साहब, और इन्होंने औरतों पे बहुत रिसर्च किया है, इतने थीसिस लिखी है। तो आइए हम आज इनसे पूछते हैं, गुलाम बेगम साहब पति और पत्नी किसे कहते हैं? भाई नेता जी, बीवी उस खूबसूरत बला का नाम है जो हर वक्त बोलती रहती है, बोलती रहती है और बोलती रहती है। और शौहर जो है वो उस खूबसूरत सजा का नाम है जो बगैर मतलब बिना बात के गलतियां की माफी मांगता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है। अब हम इस प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। इस प्रतियोगिता में जीतने वाली औरत को बीबी नंबर वन का अवार्ड दिया जाएगा, साथ में 11,000 रुपए का नकद इनाम और साथ में एक चकला बेलन भी दिया जाएगा। चकला इसलिए
क्योंकि चकला औरतों की ढाल होती है और बेलन औरतों की तलवार होती है। आ, तो बजा बिगुल। शंखनाद है कि मेघनाद है? हाँ भाई, शुरू करो, बोलो तुम। दोस्तों, कहते हैं इंसान की जिंदगी में संगीत का बहुत महत्व है, इसीलिए हम लेकर आए हैं अपनी ये प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता में भाग लेने के खातिर आए हैं श्रीमती शर्मा जी, श्रीमती राम प्यारी जी, श्रीमती इमली देवी जी, श्रीमती वर्मा जी और श्रीमती गौरी जी। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब शुरू करते हैं हमारी प्रतियोगिता का पहला राउंड, म्यूजिकल चेयर्स राउंड। तो म्यूजिकल चेयर्स प्रतियोगिता शुरू करते हैं। श्रीमती वर्मा जी बाहर हो चुकी हैं। प्रतियोगिता फिर से शुरू करते हैं। कोई बोले मुझे बाहर हो गई। तो इस राउंड में श्रीमती गीता जी बाहर हो चुकी हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर से। आजा आजा हैंडसम, कोई बोले मुझे हाय हेलो सैमसन, कोई बोले तू। आप बाहर हो गई हैं, अब आप जा सकती हैं। दोबारा खेल शुरू करते हैं। हाँ हाँ। चिकना है बड़ा, कोई बोले तुझ में बड़ा है दम, कोई बोले मुझे आजा आजा हैंडसम, कोई बोले मुझे हाय हेलो सैम। हरी साड़ी वाली आउट हो गई हैं। गोल गोल अम्मा, गोल गोल अम्मा, स्पीड अम्मा स्पीड। मेरी बीवी नंबर वन, और इस प्रतियोगिता की विजेता है राम प्यारी जी। क्या पुस्तक बिहारी जी, अब तो पब्लिक आपको बुला रही है। हाँ, पब्लिक डिमांड है, जाना पड़ेगा। और पब्लिक की आवाज मतलब हमारी आवाज, आप हमारी आवाज नहीं सुनेंगे? नहीं, नहीं वो सुनेंगे सुनेंगे। अब चलते हैं हमारी अगली प्रतियोगिता पर, जिसका नाम है बेलन फेंक प्रतियोगिता। अरे भाई हंस कह रहे हो, हमने कहा कुछ गलत कहे हैं भाई। अरे भाई, इसी बात पे हमें एक वाकया याद आया। हमारे एक दोस्त हैं जिनकी बीवी उन्हें अक्सर बेलन फेंक फेंक के मारती है, और मजे की बात यह है कि फिर भी दोनों बहुत खुश हैं। कमाल है। अरे भाई, जब बेलन निशाने पे लगता है तो पत्नी खुश हो जाती है, और जब बेलन नहीं लगता तो पति खुश हो जाता है।
तो आइए देखते हैं इस प्रतियोगिता के मुताबिक पत्नियां अपने पति को ठीक वैसे ही बेलन मारेंगी जैसे अक्सर घर पे मारा करती हैं, या फिर मारने की सोचती हैं, और पति भी वैसे ही बजेंगे जैसे घर में बजा करते हैं। श्रीमती जी, आपके पति नहीं आए? अरे हमने प्रतियोगिता के पहले ही घोषणा कर दी थी कि जिन पत्नियों के पति नहीं आएंगे वो प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। अरे हमारे पति तो आपके साथ ही बैठे हैं। हमारे साथ? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप हैं? नहीं। अरे आप हैं? आप बड़बड़। तो आप तो होंगे। हमारी बेगम तो बेलन लेके घर पे इंतजार कर रही है। तो क्या आप हैं? तो बचा फोन। आप? हम ही हैं फिर। अच्छा आप ही हैं। ये तो हम भूल ही गया था। आप पुस्तक बिहार जी, आप यहाँ कहाँ बैठे हैं? आप चलिए हुआ? नीता जी, इतने पति खड़े हैं पिटने के लिए, हमारी कौन जरूरत नहीं है ना। आ जाओ मास्टर जी, आ जाओ। एक मिनट, शांत रहिए शांत रहिए। भेजते हैं। देखिए पुस्तक बिहार जी, अब तो पब्लिक आपको बुला रही है। हाँ, पब्लिक डिमांड है, जाना पड़ेगा। और पब्लिक की आवाज मतलब हमारी आवाज। आप हमारी आवाज नहीं सुनेंगे? नहीं, वो सुनेंगे सुनेंगे, जनता की आवाज काहे नहीं सुनेंगे। चलिए आ रहे हैं, आ रहे हैं। देवियों और सज्जनों, इस प्रतियोगिता के नियम अनुसार पत्नी के बेलन से बचने के लिए पति सिर्फ हिलडुल सकते हैं, अपनी जगह छोड़ नहीं सकते। समझ गए ना? तो आइए शुरू करते हैं बेलन फेंक प्रतियोगिता। एक दो तीन गिनते ही आप लोग अपनी मिसाइल, मेरा मतलब है बेलन फेंकना शुरू कर देना। एक दो तीन। और इसी के साथ श्रीमती गौरी ये राउंड जीत गई हैं। तालियां। अब शुरू हो रही है रस्सी खोल प्रतियोगिता। श्रीमती जी, आपके पति कहाँ हैं? अरे हमार पति तो वो रहे। अरे ऐसी कैसी प्रतियोगिता, कभी बांधते हैं कभी मारते हैं। दीदी है बदतमीजी है, टिल्लू जी मनोरंजन है। आओ इधर आओ। सारी पत्नियां अपने पति के पास आकर खड़ी हो जाएं। और जैसे ही मैं एक दो तीन बोलूं, आप लोग रस्सियां खोले। ए जुगाड़ू, तुम जुगाड़ करके पापा को अम्मा के पास भेज ही दिए ना। देखती जाओ, तो हम तुमका भी अम्मा के पास भेज ही देंगे। काहे, हम कभी रस्सी से बांधोगे का? अरे रस्सी में नहीं, अपने साथ गठ बंधन में बांधेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रस्सी खोल प्रतियोगिता। एक दो तीन। अम्मा, हाँ हाँ, बहुत सही, बहुत बढ़िया, खोल दिया। और इस प्रतियोगिता की विनर हैं इमली देवी। वाह वाह। और अब अगली प्रतियोगिता प्रस्तुत होगी जिसका नाम है पहचान कौन। पहचान कौन प्रतियोगिता के अंतर्गत पत्नियों को अपने पति को पहचानना है, वो भी सिर्फ 30 सेकंड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए आइए आइए, शुरुआत करते हैं इनसे। आइए मैम, ये यहाँ से। आपका टाइम खत्म हो गया। आइए आइए आइए। अब और ये भी प्रतियोगिता से बाहर हो गई। चलिए तो प्रतियोगिता के अगले प्रतियोगी के पास चलते हैं। नाक कटवा दी भौजी।
श्रीमती जी आइए 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 आइए, आपका टाइम शुरू होता है अब। ये भी गेम हार गई है, आप बाहर रखती है। आइए श्रीमती जी आइए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए चलते हैं अगले प्रतियोगी के पास में। आइए श्रीमती जी आपका टाइम शुरू होता है अब। देवी हार गई। आइए चलते हैं प्रतियोगिता के आखिरी प्रतियोगी के पास में। आइए 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 श्रीमती जी आइए 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 आइए। और ये प्रतियोगिता भी जीत गई। अब शुरू करते हैं हमारी प्रतियोगिता का आखिरी राउंड, जिसका नाम है दो शब्द। और अब हम देखते हैं कि ये पत्नियां अपने पति के लिए क्या दो शब्द बोलती हैं। मेरा पति प्यारा दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारी प्रतियोगिता का आखिरी राउंड, जिसका नाम है दो शब्द। और अब हम देखते हैं कि ये पत्नियां अपने पति के लिए क्या दो शब्द बोलती हैं। आइए देखते हैं क्या बोलती हैं ये। सबसे पहले बोलेंगी गौरी देवी, बोलिए अपने पति के बारे में। निकम्मा नकारा, आलसी कामचोर। चलिए आप बोलिए। मेरा पति तो बुद्धू और शेख चिल्ली है बिल्कुल। मेरा पति प्यारा बच्चा, अनाड़ी कुंभकर्ण। आइए अब देखते हैं इमली देवी क्या कहती हैं अपनी पति के बारे में। अरे चाची।